हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? एज यू नो फ्रॉम माय प्रीवियस व्लॉग दैट अभी मैं हूँ गाजियाबाद में और मुझे जाना है नोएडा। तो गाजियाबाद से नोएडा ज़्यादा पास पड़ता है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। अगर मैं दिल्ली उतरते तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस भी हो जाता है और रश भी उधर बहुत ज़्यादा होता है। और अभी हम लोग ऑटो करेंगे, ऑटो को रिजर्व करेंगे, उसके बाद रिजर्व करके ही जाएंगे। अगर आप जाना चाहते हैं सिंगल तो आप सिंगल भी जा सकते हैं, उस प्लस ओला उबर की भी आपके पास फैसिलिटी है तो आप वो भी ले सकते हैं। और अगर आपने प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई बटन में मेंशन कर दूंगी, प्लस डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, जाके ज़रूर देखिएगा। और हम लोग पहुँच के आज के दिन ना पूरा फुल ऑन रेस्ट किया था, क्योंकि ट्रैवल करके आए थे थोड़ा बहुत थकान हो जाता है। भले ही हम लोग रात में सो के ही आए थे ट्रेन से, बट तब भी थोड़ा बहुत थकान हो जाता है। तो फाइनली हम लोग अपार्टमेंट पहुँच गए हैं। मॉर्निंग का समय था तो इतना ट्रैफिक भी नहीं था और बहुत ही कम समय लगा था पहुँचने में हम लोग को। काफ़ी ज़्यादा इन लोग के यहाँ सिक्योरिटी का प्रोसेस है, काफ़ी हाई सिक्योरिटी चेकिंग प्रोसेस है इन लोग के यहाँ। और आज के समय में सारे अपार्टमेंट्स ये चीज़ देते हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी एमिनिटीज़ अंदर इन्होंने दे रखी थी। काफ़ी ग्रीनरी थी और आपको टेम्पल दे रखा है, जिम दे रखा है, स्विमिंग पूल देखा, मेन चीज़ें उन्होंने सारी प्रोवाइड कर रखी हुई हैं। प्लस अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए किड्जी टाइप का स्कूल छोटा सा दे रखा हुआ है। अंदर ही मेडिसिन डॉक्टर की फैसिलिटीज़ भी दे रखी हैं। बाहर जैसे ही निकलेंगे आप तो आपको सारी शॉप्स मिल जाएंगी, हर चीज़ की शॉप बाहर आपको मिल जाएगी। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। बट हाँ, ये है कि ये लोग फ्री में नहीं देते हैं, ये लोग उसके चार्जेस लेते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस को हम लोग कहते हैं, वो ज़रूर वो लोग लेते हैं, उसी में ये सारी चीज़ें लोग मैनेज करते हैं। और यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि सारे जितने ब्लॉक से सबके कलर, सारे बिल्डिंग से कलर सेम हैं। और आप अगर ये लोग ब्लॉक नंबर नहीं डालेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा ब्लॉक है। और काफ़ी अच्छा लग रहा था पहुंच के, और काफ़ी दिन से ये ट्रिप को प्लान कर रहे थे। और कहते हैं ना, जो चीज़ प्लान करो काफ़ी समय से कहाँ पूरी होती है, तो वैसा कुछ सीन था। बट ठीक है, फाइनली वो चीज़ हुई, काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी रेस्ट के मूड से हम लोग आए हुए थे। सो हम लोग फाइनली ब्लॉक में पहुँच गए हैं और देखिएगा गार्ड भैया हम लोग को कैसे देख रहे हैं। एक मिनट खोलो। उसी की चप्पल है। क्या कर रहे थे? हाँ जी, तुम लेने भी नहीं आए हमको? लेने नहीं है फोन। अच्छा, यहाँ बहुत गर्मी तो नहीं है? अंदर आ जा, अंदर ही अंदर। तुम लोग सो रहे थे? तो 395 की तो बाइक है और ऑन रोड आते आते 4,07,000 की हो जाती है भाई। सब कुछ ठीक है, लेकिन जो टैग लग गया ना, किस चीज का? सेकंड हैंड। हाँ। वो भी। सो हम लोग पहुँच के फिर तो हम लोग फ्रेश होके फिर हम लोग सो गए थे और हम लोग फिर डायरेक्ट उठे खाना खाने के लिए। उसके बाद फिर सो गए, इतना सा थकान हो गई थी। उसके बाद फिर हम लोग मुझे लग रहा 5:30 बज रहा था, तो हम लोग जा रहे थे स्विमिंग पूल की तरफ। और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पानी के अंदर जाना, तो ये कुछ अंदर का ऐसा व्यू है। यहाँ पे ये है कि आपको स्विमिंग में जाने के लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम होना चाहिए, प्लस आपके पास कैप होनी जरूरी है। नहीं।
नहीं तो ऐसे देखो बस खाली ऊपर खाली हैट लगाने, देखो सब तो ऐसे चले गए हैं। हैट लगा लो, चलो हैट लगा लो। हैट कहाँ से लेनी होगी? बाहर से। सो यहाँ से हम लोगों ने कैप ली क्योंकि मेरे पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो था ही, और वहाँ पे आपकी इंट्री होती है, उसके बाद ही आपको इंटर करने को मिलता है स्विमिंग पूल में। और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है यहाँ पे शॉप्स, और अपार्टमेंट के जस्ट बाहर है तो इसलिए और भी हर चीज़ बहुत कॉस्टली है। और ये रही मैं स्विमिंग के अंदर, पानी के अंदर। भले मुझे स्विमिंग नहीं आती है बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, पानी में जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और जैसे छोटे बच्चे नहीं होते उस तरीके का, और काफ़ी अच्छा लग रहा था, और बहुत ठंडा ठंडा पानी था। और हाँ ये है कि पहले आपको शावर लेना होगा, उसके बाद आपको स्विमिंग पूल में जाना होगा, उसके बाद फिर आप वापस जब आते तो आप हॉट वाटर से भी शावर ले सकते हैं, नॉर्मल वाटर से भी शावर ले सकते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चों के लिए बिल्कुल अलग है स्विमिंग पूल, सो ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो इसलिए उनके लिए बिल्कुल अलग स्विमिंग पूल रखा हुआ है, और लेडीज़ और जेंट्स का अलग है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो बहुत शाम हो गई थी, तो ये देख सकते हैं मेरी कंडीशन। तो जस्ट मैं स्विमिंग से बाहर निकली हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था, हम गए थे शावर, उसके बाद कैप लेना पड़ता है यहाँ पे, कंपलसरी है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। वीडियो कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट डाउन करिएगा, और मेरे चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के मैं ध्यान रखिए, बाय।